हेलो लिसनर्स, आज का टॉपिक है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इसके पहले हम वीडियो में देख चुके हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ना, वीडियो 1-2 के बारे में। तो आज हम देखते हैं आगे का टॉपिक क्या था। आया टॉपिक है क्या इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम दिस सेम लैंड। क्या कोई ऐसा रास्ता है जो सेम लैंड से ही, उसी लैंड से ही है ना, अधिक उपज, अधिक प्रोडक्शन करे। तो आइए देखते हैं। पालमपुर में जितना भी लैंड था वो कल्टीवेटर, मतलब वहाँ खेती होता था, है ना, खेती होता था। रेनी सीजन के दौरान, है ना, वर्षा ऋतु के दौरान वहाँ ज्वार और बाजरे की खेती होती थी। ओके, ज्वार और बाजरे की, ये जो है, ये वाला ज्वार है और ये वाला बाजरा है, क्लियर। यहाँ ज्वार और बाजरा की खेती होती थी रेनी सीजन के दौरान, है ना। और इस प्लांट का यूज वो क्या करते थे, इस प्लांट्स का यूज वो कैटल फीड के द्वारा यूज में भी करते थे, मतलब जो चारा के यूज में भी करते थे अपने पशु को खिलाने में, है ना, पालमपुर के जो लोग थे। यहाँ पोटैटो का भी कल्टीवेशन होता था अक्टूबर और दिसंबर के बीच में। और ठंडा में, विंटर सीजन में गेहूं का प्रोडक्शन यहाँ होता था, कल्टीवेशन होता था। तो वो जो बीट का खेती करते थे विंटर सीजन के दौरान, ओके, तो वीट का वो खेती करके क्या करते थे, तो फार्मर जो है, किसान लोग जो हैं, वो अपने कंजप्शन के लिए जितना वीट हो सके, जितना गेहूं हो सके वो रख लेते थे, और सरप्लस और जो वीट जो बच गया है ना, उस वीट को वो क्या करते थे, रायगंज में जाके बेचाते थे, इससे कुछ उनको प्रॉफिट हो जाता था, है ना। तो ये हुआ, ओके, ये वीट का है। कुछ लैंड जो है वो शुगर केन के लिए भी डिवोटेड था, मतलब वहाँ केतारी का, गन्ना का भी खेती होता था, है ना। हार्वेस्टिंग के बाद जो शुगर केन होता है, गन्ना होता है, उसका हार्वेस्टिंग करने के बाद उससे जैगरी, मतलब मीठा बनाया जाता था और शाहपुर में जाके बेच दिया जाता था, है ना। यहाँ इरीगेशन का सिस्टम भी वेल डेवलप था, है ना, अच्छा सिस्टम था यहाँ इरीगेशन का, सिंचाई का। और देखा जाए तो इन पालमपुर में जब पीपल थे, वहाँ के लोग थे, वो 3 different crop एक साल में 3 तरह का crop वो क्या करते थे, प्रोडक्शन करते थे, मतलब ग्रो करते थे, है ना, क्योंकि वहाँ जो इरीगेशन का सिस्टम है पहले बता चुका हूँ वेल डेवलप था, बहुत अच्छा था। और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पहले बता चुका हूँ, जो पहले ही आ गया था पालमपुर में, है ना। 1970 के मध्य आते आते जो इंटायर कल्टिवेटेड एरिया था 200 हेक्टेयर का, वो इरीगेटेड हो गया था, है ना, सिंचाई हो गया था। डेक्कन प्लेटू जो था वहाँ लोग, इरीगेशन का जो लेवल था वो लो था, कम था। कंट्री में, देश में 40% से कम, आज भी 40% से कम ही इरीगेटेड होता है ना, इरीगेटेड लैंड है। और रिमेनिंग एरिया में, बचे हुए एरिया में फार्मिंग जो है वो लार्जली डिपेंडेड ऑन रेनफॉल, वर्षा पे ही डिपेंड होता है ना, फार्मिंग जो है वो बारिश पे ही डिपेंड रहता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल क्रॉपिंग, ओके, मल्टीपल क्रॉपिंग, एक क्रॉप से ज़्यादा ग्रो करना, है ना, ग्रो मोर देन वन क्रॉप सेम लैंड पे, एक ही लैंड पे, मतलब लैंड एक ही रहेगा लेकिन क्रॉप जो है मोर देन वन रहेगा, ऐसे केस को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग। इससे हमें बहुत प्रॉफिट होता है, मल्टीपल क्रॉपिंग से फार्मर लोग को बहुत ही प्रॉफिट होता है, कम से कम 2 main crop एक बार में तो वो जरूर उपजा लेते थे, है ना। और अगर कुछ समय बच गया तो पोटैटो को वो तीसरे क्रॉप के रूप में भी क्या करते थे, उपजा लेते थे। तो ये मल्टीपल क्रॉपिंग का फायदा था। जो बीज हैं वो कल्टीवेशन में यूज जो करे जा रहे थे वो ट्रेडिशनल थे, लेकिन क्या था ना कि उनका जो यील्डिंग था, वो प्रोडक्ट था, जो प्रोडक्शन था वो कम था, तो ऐसे में किसान लोग को लॉस होता था। ट्रेडिशनल सीड को लेस इरीगेशन चाहिए, मतलब सिंचाई कम चाहिए, है ना, इसमें काउ डंग जो गोबर होता है गाय का वो यूज होता था, और नेचुरल मैन्यूअर उसका भी यूज किया जाता था। हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन आते आते, जो लेट 1960 में आया था, वो इंडियन फार्मर को HYV हाई यील्डिंग वेराइटी का गिफ्ट देके गया, है ना, HYV हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। ये क्या है, ये जो है सिंगल प्लांट, पेड़ एक ही रहेगा, कम स्पेस में, इन लेस स्पेस,
लेस एरिया में, कम एरिया में एक ही प्लांट पे, ऑन सिंगल प्लांट जो प्रोडक्शन होगा क्या होगा, हाई होगा। प्रोडक्शन जो वो क्या होगा, हाई होगा, तो इसे प्रॉफिट होगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या था कि इसको केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए और वाटर भी बहुत सारा चाहिए। तो केमिकल फर्टिलाइजर से प्रॉब्लम ये है कि नदी को प्रदूषित करता है ना। तो केमिकल फर्टिलाइजर जो है मिट्टी को भी क्या करता है, इनफर्टाइल बनाता है, क्या करता है, इनफर्टाइल बना देता है और नदी को भी पॉल्यूटेड कर देता है। तो ये प्रॉब्लम था इसमें HYV सीड्स में। जो पंजाब हरियाणा के जो फार्मर थे और कुछ उत्तर प्रदेश के जो फार्मर थे, वो मॉडर्न फार्मिंग मेथड अपनाने में बहुत फर्स्ट आए थे, पूरे देश में फर्स्ट थे, है ना। सबसे पहले यही सब लोगों ने मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज किया था। कुछ लोगों ने तो मशीन भी खरीद लिए थे, लाइक ट्रैक्टर्स हो गया, थ्रेशर्स हो गया, है ना। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा।